जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी रिलेशन भर्ती आ चुकी है जो कि आई हुई है मराठा लाइट रेजिमेंट सेंटर बेलगाम की। तो दोस्तों ये बता दूं कि बहुत बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि सर इसकी भर्ती कब आएगी, तो दोस्तों इसकी भर्ती आ चुकी है जो कि इसकी भर्ती 19 सितंबर से है। मैं पूरा चीज़ बताऊंगा और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसका आपको पूरा PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका। तो दोस्तों बात करते हैं इस सेंटर के बारे में, तो मैं आपको पूरा डिटेल्स बताऊँगा A to Z। तो दोस्तों उसके बाद देखिए इधर क्या लिखा है, देखिए यूनिट हेडक्वार्टर अग्निवीर रिक्वायरमेंट रैली ऑर्गेनाइज एट शिवाजी स्टेडियम में होगा जो कि मराठा लाइट रेजिमेंट सेंटर है बेलगाम में। ये आपकी भर्ती चलने वाली है 19 सितंबर, सॉरी तो ये भर्ती आपकी 19 सितंबर से चलने वाली है। ये क्लियर हो गया आपका। बात करते हैं, नीचे आते हैं मेन मुद्दे पे। तो फिर उसके बाद देखिए, फिर देखिए दोस्तों 19 तारीख को आपकी, देखिए इसमें क्या लिखा है इवेंट, इसमें देखिए। और तो दोस्तों बता दूँ एक और चीज़ की, इसमें स्पोर्ट्समैन की भर्ती चलेगी ऑल इंडिया ऑल कास्ट कोई भी कास्ट से हो तो एक बढ़िया है स्पोर्ट्समैन वालों के लिए, जो कि GD की भर्ती चलने वाली है 19 सितंबर को। GD की भर्ती स्पोर्ट्समैन की भर्ती चलेगी, या वो क्लियर होगी। उसके बाद बात करते हैं 20 सितंबर को आपकी, देखिए किस किस की है ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीनिंग ऑफ अग्निवीर जनरल ओनली महाराष्ट्र स्टेट वाले बच्चे जाएंगे और उनका डिस्ट्रिक्ट है इसमें। तो देख सकते हैं आप 20 तारीख को महाराष्ट्र वालों लोग की भर्ती होगी। तो बात करते हैं, देखिए नीचे आते हैं, तो फिर देखिए 21 सितंबर को आपको, फिर देखिए स्क्रीनिंग अग्निवीर जनरल ड्यूटी ओनली महाराष्ट्र, इधर भी ओनली महाराष्ट्र वालों के लिए 20 और 21 को महाराष्ट्र वालों के लिए। ये क्लियर हो गया आपका, फिजिकल चलने वाला है और नीचे फिजिकल मेडिकल उसी दिन होगा। फिर जाकर 21 को हो गया, फिर देखिए दोस्तों 22 को, देखिए 22 को स्क्रीनिंग अग्निवीर जनरल ड्यूटी MP छत्तीसगढ़ गुजरात गोवा, मतलब ये चार स्टेट की भर्ती होने वाली है 22 सितंबर को, या वो क्लियर हो गया। फिर देखिए नीचे आते हैं स्क्रीनिंग, फिर आपको 23 तारीख को देखिए स्क्रीनिंग ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, दो स्टेट की आपकी 23 सितंबर को होगी जो कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश है। और फिर नीचे आते हैं और तो उसके बाद देखिए इधर, तो दोस्तों बता दूं कि स्क्रीनिंग ऑफ अग्निवीर ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट की भर्ती होती है ऑल इंडिया ऑल कास्ट ओनली फॉर वार्ड्स ऑफ सर्विंग एंड एक्स सर्विसमैन, 24 सितंबर को आपको ट्रीटमेंट की भर्ती चलेगी। तो दोस्तों बता दूं कि GD के लिए जो स्टेट दिए हैं वही लोग जाएंगे और अदर स्टेट नहीं जाएंगे, ऐसे UP बिहार जो नॉर्थ में हो गए, जो ये क्लियर हो गया। और ट्रीटमेंट में बता दूं दोस्तों, ट्रीटमेंट में ऑल इंडिया के जा सकते हैं कहीं से भी, बस रिलेशन सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, आपको बस आपको मौका मिला ट्रीटमेंट में इस सेंटर में देखने के लिए भर्ती। जो बाकी तो ऊपर आप देख सकते हैं, अपना अपना स्टेट देख लीजिएगा उस हिसाब से जाइए कि GD की भर्ती हो, लेकिन ट्रीटमेंट में ऑल इंडिया देख सकती है कहीं ऑल भी कास्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो 24 सितंबर को ट्रीटमेंट की भर्ती चलेगी। तो बात करते हैं उसके बाद, देखिए क्लर्क की भर्ती चलेगी आपकी 26 सितंबर को, और बता दूं कि क्लर्क की भर्ती इसमें सिर्फ मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट वाले जाएंगे, इसमें लिखा गया है। देखिए ये क्लियर हो गया। और आपका देखिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका नवंबर में होगा, सब चीज़ सबका एग्ज़ाम नवंबर ही में होगा दोस्तों। तो बात करते हैं इधर नीचे आते हैं, तो दोस्तों बता दूं कि देखिए एज कट ऑफ अपना देख लीजिएगा अपने हिसाब से, और नीचे आता हूँ तो ये अपना ये आपको बताया गया, ये अपना कि एजुकेशन कलर के लिए क्या है, अग्नि ट्रीटमेंट के लिए क्या है और GD के लिए क्या है, ये आपको देख लीजिएगा, ये तो आप सबको पता ही है। और नीचे कुछ खास नहीं है, और बता दूँ दोस्तों देखिए इधर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है, स्पोर्ट्स वाले के बारे में अपना अपना देख लीजिएगा। इधर मैं आपको PDF पूरा डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अरे टेलीग्राम ग्रुप में। तो और देखिए दोस्तों बता दूँ एक और चीज़ की, थर्ड डोज जरूर ले लीजिएगा, वैक्सीनेशन वाला बूस्टर डोज आपको ज़रूरी है। और दोस्तों बता दूं कि ये चार्ट एकदम ओरिजिनल है, बिल्कुल फेक नहीं है। तो आप इधर देख सकते हैं 6 अगस्त को ये आपको ये पब्लिश हुआ था, और ये आप देख सकते हैं जो लेफ्टिनेंट कर्नल उनका साइन है। तो दोस्तों बता दूं कि ये आपकी भर्ती चलने वाली है, और अपना अपना स्टेट दोस्तों देख लीजिएगा, क्योंकि इधर देखिए महाराष्ट्र वालों के लिए तो ये मेन तो वही है, और इसमें दिया है इसमें MP छत्तीसगढ़ गुजरात गोवा, ये चार पाँच मतलब 8-9 स्टेट दिए गए हैं, और बाकी UP बिहार जो ऊपर से नॉर्थ में है उन लोगों के लिए भर्ती नहीं है, ट्रीटमेंट की भर्ती देख सकते सिर्फ। तो बस दोस्तों वीडियो में इतना ही था, और आपको चार्ज ये जरूर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आपको, और भी भर्ती आने वाले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।